हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम इलेप्टिक इक्वेशन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा? देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया है दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे देखो जो आपको फंक्शन दिया दैट इज माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10। ओके, तो सॉल्व द इक्वेशन ओवर द स्क्वायर विथ साइड्स एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल्स टू वाई एंड एक्स इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू वाई विथ यू इक्वल टू जीरो ऑन द बाउंड्री एंड मैश लेंथ इक्वल्स टू 1। ये जो मैश लेंथ है ये अपना क्या है, एच की वैल्यू है। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है 0 ऑन द बाउंड्री। ओके, बाउंड्री पे क्या है बताओ, सभी वैल्यूज जीरो हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन पहले वैल्यूज लिख लेते हैं बाउंड्रीज पे, दैट इज जीरो, यहाँ भी जीरो लिख लेते हैं सब जगह पे। ओके, ये अपन लिख लिए सब जगह पे। ओके, तो जो मैश पॉइंट है ना वहां पे अपन अपने हिसाब से वैल्यू रख लेते हैं, मतलब यू वन, ये अपना यू टू, ये अपना यू थ्री, और ये अपना क्या है, यू फोर है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज को निकालना है ना, दैट इज यू वन यू टू यू थ्री एंड यू फोर की वैल्यूज को मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में दिया दैट इज एच इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे लिख लो हियर एच इक्वल्स टू 1, ये आपको क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला का लिखेंगे यहाँ पे, द स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला फॉर द गिवन इक्वेशन इज क्या होगा, देखो यहाँ पे यू आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस यू आई कॉमा जे प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या यू आई कॉमा जे माइनस 1 फिर माइनस 4 टाइम्स U I कॉमा J, और ये अपना पता क्या होता है, ये इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ, ये अपना क्या होगा, I H कॉमा J H, और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ दैट इज नथिंग बट जो आपको इक्वेशन दिया ना यहाँ पे विच इज फंक्शन ऑफ X एंड Y, उसको अपन यहाँ पे लिखें दैट इज माइनस 10, यहाँ पे लिखो X के लिए, देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे H की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 दी हुई है, तो यहाँ हम लिखेंगे I स्क्वायर ओके प्लस जे स्क्वायर प्लस 10। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, और देखो यहाँ पे अपना एक्स क्या है, आई एच, और एच की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे आई स्क्वायर, यहाँ पे अपन लिखेंगे जे स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा। ओके, दैट्स अपर दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू वन यू टू यू थ्री यू फोर को अपन निकालना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर यू वन, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, मान लो 0 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे बताओ वैसे जे की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0, जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पे क्या है, जे इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे आपकी आई की देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और जे की देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है। ओके, U1 के लिए अपना I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे एक, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, U I माइनस 1 कॉमा J। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, U नॉट, देखो यहाँ पे जब मैं I की वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 0 कॉमा 2 हो जाएगा, 0 कॉमा 2 मतलब I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू 2, देखो यहाँ पे क्या है अपना वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लिखो 0 प्लस, यहाँ पे देखो क्या है, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 जब रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू को 1 रखूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, ये अपना यू टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यू टू और जे टू है ना, मतलब देखो आई की वैल्यू जब 2 है, आई की वैल्यू 2 यहाँ पे है और जे की वैल्यू देखो 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे अपना क्या बन रहा है, यू टू बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यू टू। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, ये I की देखो वैल्यू क्या है, 1 है, तो I 1 वाले लाइन पे आएंगे अपन लोग, इस वाले लाइन पे आएंगे, और देखो यहाँ पे क्या है, J 2
जे प्लस वन लिखा है तो टू प्लस वन दैट इज थ्री, तो जे की वैल्यू थ्री है और आई की वैल्यू वन। देखो वैल्यू कौन सा अपना आएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ पे अगेन अपन क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई की वैल्यू वन तो अगेन ये वन पे रहेगा, और जे माइनस वन लिखा है तो टू माइनस वन दैट इज वन, तो देखो जे इक्वल्स टू वन पे अपना क्या है, यू थ्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यू थ्री माइनस फोर टाइम्स ओके यू वन कॉमा वन दैट इज वन कॉमा वन। देखो कौन है यहाँ पे, वन कॉमा वन पे ओके नहीं वन कॉमा वन नहीं आएगा यहाँ पे, जे की देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी है, टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू। देखो यहाँ पे अपना क्या है, यू वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर टाइम्स यू वन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यूज जो है ना उसको अपन लिखेंगे, दैट इज माइनस 10 टाइम्स आई की वैल्यू क्या यहाँ पे, वन का स्क्वायर, और देखो जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टू का स्क्वायर ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 10 लिखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करने पे मुझे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे यू वन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे यू वन आपको जो फाइनली मिलेगा दैट इज वन अपॉन फोर टाइम्स यू टू प्लस यू थ्री प्लस 150। ये आप निकाल करके देख सकते हो, यहाँ पे आपको यू वन की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे इतनी मिलेगी ठीक है, इस इक्वेशन में आएगा जहाँ पे आपको यू टू और यू थ्री के अननोन है ठीक है। तो अगर आपने ये इक्वेशन नंबर वन है तो अपने क्या होगा, इक्वेशन नंबर टू, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यू टू यू थ्री और यू फोर की वैल्यू निकालेंगे एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब मैं निकालूंगा फॉर यू टू, तो यू टू के लिए देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यू टू निकालना है, तो देखो आई की वैल्यू क्या लेंगे अपन, टू लेंगे, और जे की वैल्यू अपन क्या लेंगे, टू लेंगे, तो यहाँ पे लिख लो आई इक्वल्स टू टू एंड जे इक्वल्स टू टू ओके। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन ओके, तो देखो यहाँ पे फाइनली जो मुझे यू टू मिलेगा उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप उसको निकाल के चेक करिए, दैट इज वन अपॉन फोर टाइम्स यू वन प्लस यू फोर प्लस 180 ओके। जैसे फॉर दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री, वैसे हम क्या करेंगे फॉर यू थ्री करेंगे, यू थ्री के लिए देख लो अपनी आई की वैल्यू क्या है, यू थ्री के लिए अपनी आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू है वन ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल्स टू वन एंड जे इक्वल्स टू वन ओके फ्रॉम इक्वेशन वन। देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनली, यू थ्री की वैल्यू दैट इज वन अपॉन फोर टाइम्स यू वन प्लस यू फोर प्लस 120 ओके, एंड लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फोर ओके, एंड मुझे जो मिलेगा यू फोर की वैल्यू ठीक है, दैट इज एट यू फोर देखो कहाँ पर है, एट आई इक्वल्स टू टू एंड जे इक्वल्स टू वन ओके, आई इक्वल्स टू टू एंड जे इक्वल्स टू वन पे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू टू एंड जे इक्वल्स टू वन ओके। फिर फ्रॉम इक्वेशन वन यू फोर की जो इक्वेशन मिले दैट इज वन अपॉन फोर टाइम्स यू टू प्लस यू थ्री प्लस 150, ये अपना हो गया ठीक है। अब इसको जो है अपन क्या कंसिडर करेंगे, इसको अपन लेंगे इक्वेशन पर फाइव ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज यू फोर की जो वैल्यू है ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, वन अपॉन फोर टाइम्स यू टू प्लस यू थ्री प्लस 150 ओके। अब यहाँ पे देखो यू वन की वैल्यू, देखो वन अपॉन फोर टाइम्स यू टू प्लस यू थ्री प्लस 150, ये आपस मैच कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर मुझे क्या मिला, देखो यहाँ पे यू वन इक्वल्स टू यू फोर, मतलब मुझे करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यू वन की वैल्यू निकालनी है, यू टू और यू थ्री की वैल्यू निकालनी है ओके। यू फोर को अपन नहीं निकालेंगे बिकॉज जो यू वन की वैल्यू है वही अपनी क्या होगी, यू फोर की वैल्यू होगी ठीक है। तो फाइनली हम जो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे किसके लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर द इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड टू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे तीन पे ओके, दैट इज यू वन यू टू एंड यू थ्री। तो यहाँ पे देखो अपने यू वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन अपॉन फोर यू टू प्लस यू थ्री प्लस 150 ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको यू वन इक्वल्स टू वन अपॉन फोर टाइम्स यू टू प्लस यू थ्री प्लस 150 ओके, और यू टू की जो वैल्यू होगी, देखो यू टू वैल्यू यहाँ पे क्या है, यू टू यहाँ पे क्या है, यू वन प्लस यू फोर प्लस 180, लेकिन देखो अपना यू वन जो है यू फोर के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे यू वन प्लस 180। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यू वन बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 90 बचेगा, और वो जो टू बाहर निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, इससे मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा अपना वन अपॉन टू बचेगा। तो ठीक है यहाँ पे अपन इसको लिख लेते हैं वन अपॉन फोर टाइम्स यू वन प्लस
180, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स u 1 प्लस 90। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, u3 निकालेंगे। तो u3 के लिए देखो अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा, u3 देखो यहाँ पे u3 है, तो u1 प्लस 120। ओके तो यहाँ पे लिख लेते हैं u1 प्लस 120। अब यहाँ भी जो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 टाइम्स u1 प्लस 60। ओके ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको पता है कि हम लोग पॉइसन इक्वेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ गॉस सिडल इटरेशन मेथड को अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मेथड को अप्लाई करते हुए फर्स्ट इटरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिख लो बाई गॉस सिडल इटरेशन मेथड। ओके, पॉइजन्स इक्वेशन वाले केस में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड को यूज करेंगे। ओके, और किसी मेथड को यूज नहीं करना है। ओके तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले, फर्स्ट इटरेशन अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन निकालते वक्त अपन यू टू और यू थ्री को हम क्या मानेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहला वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो पुट यू टू इक्वल्स टू जीरो, यू थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो आपको यहाँ पे जो u1 की जो पहला इटरेशन वाला वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 37.5। ओके, फिर u2 अपन निकालेंगे फर्स्ट इटरेशन पे। तो u2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो u1 लिखा हुआ है, इस केस में क्या करेंगे, इस वैल्यू वैल्यू को अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे, है ना। और यहाँ पे 90 दिया है, तो यहाँ पे अपन जब उसको हाफ डिवाइड करेंगे तो मुझे को देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 1/2 टाइम्स यू वन जगह हम क्या लिखेंगे, अभी जो रिसेंट वाली वैल्यू दैट इज 137.5। ओके प्लस 90, यहाँ पे देखो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 64 मिलेगा। ओके अब हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू को भी निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, दैट इज यू थ्री फर्स्ट इटरेशन। तो देखो यहाँ पे अपना क्या है, 1/2 टाइम्स यू वन लिखा है, यू वन हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यूज करेंगे, दैट इज 37.5। तो यहाँ हाफ इंटू 37.5 प्लस 60। ओके इसको सॉल्व करते, विल गेट 49। ओके ये अपना फर्स्ट इटरेशन हो चुका है। अब हम सेकंड इटरेशन को अपन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड इटरेशन अपन जब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे जब यू टू सॉरी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले यू वन सेकेंड इटरेशन पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला अपना क्या है, u1 के केस में u2 और u3 है कि नहीं, तो यहाँ पे u2 और u3 जो हम क्या करेंगे, रिसेंट वैल्यू रखेंगे, दैट इज 64 एंड 49 को अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना क्या बन जाएगा, 1/4 टाइम्स यहाँ पे अपन रखेंगे 64 प्लस यहाँ पे देखो 49 प्लस दैट इज 150। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करते विल गेट 66। फिर हम क्या निकालेंगे, u2 निकालेंगे सेकंड इटरेशन पे। तो यहाँ पे क्या देखो, 1/2 टाइम्स u1 है, u1 की वैल्यू को अपन क्या रखेंगे, जो अभी रिसेंटली अपन यहाँ पाए थे, दैट इज 66। तो यहाँ पे लिखो 66 प्लस 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू 78। ओके ये अपने क्या है, 78 है। अब यहाँ पे थर्ड इटरेशन सॉरी u3 की वैल्यू जब निकालेंगे सेकंड इटरेशन पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगेन अपने यहाँ पे 1/2 टाइम्स यहाँ पे अगेन u1 लिखा हुआ, तो u1 की देखो रिसेंट वैल्यू कौन सी है, 66 है। तो यहाँ देखो 66 प्लस 60। ओके सॉल्व करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। ये अपना सेकंड इटरेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन परफॉर्म करेंगे, और कब तक करें, जब तक u1 u2 u3 की वैल्यू आपस में मैच ना कर जाए। तो थर्ड इटरेशन पे जो मुझे वैल्यू मिलेगा u1 u2 और u3 का, उसको मैं बताए तो आपके यहाँ पे यू विल गेट 73। थर्ड इटरेशन U2 का देखो कितना आएगा यहाँ पे, 82, और U3 का जो थर्ड इटरेशन पे जो वैल्यू आपको आएगा दैट इज 67। ओके फिर अपन यहाँ पे फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो U1 की मिलेगी वैल्यू वो आपको कितनी होगी, समवॉट अराउंड 75। U2 की वैल्यू एट फोर्थ इटरेशन यू विल गेट 82.5, और U3 की वैल्यू एट फोर्थ इटरेशन यू विल गेट 67.5। ओके फिर फिफ्थ इटरेशन अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो जो आपको u1 की वैल्यू मिलेगी एट फिफ्थ इटरेशन यू विल गेट 75। ओके u2 की वैल्यू एट फिफ्थ इटरेशन यू विल गेट 82.5। ओके और u3 की जो वैल्यू मिलेगी एट फिफ्थ इटरेशन यू विल गेट 67.5। ओके
तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि यू वन की जो वैल्यू है दैट इज 75, ओके, अपने क्या है इक्वल टू 75 है। यू टू की वैल्यू कितनी आएगी 82.5, यू थ्री की वैल्यू कितनी है 67.5, और यू फोर भी था तो यू फोर की वैल्यू कितनी होगी यू वन के बराबर होगी, दैट इज हाउ मच 75। तो ये अपना क्या है फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।